नमस्कार। 7-8 टाउनेरिया जिला बलिया उत्तर प्रदेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सातवार जो मेरा एक जन्म स्थान है, उसको हमेशा से ही हमने दुनिया के मानचित्र पे सातवार को हाईलाइट करने का प्रयास किया है, क्योंकि इसे मैं अपना कर्तव्य भी समझता हूँ और सातवार को दुनिया के मानचित्र में लाने का व्यक्तिगत संपर्क सूत्र भी मानता हूँ। ये सातवार का ये बड़ा तालाब है, इस बड़े तालाब में आप ये खूबसूरत सा बना हुआ पार्क देख सकते हैं। राजनीतिक कार्यक्रम वगैरह इस पार्क में की जाती है। बाकी इसी तालाब में छठ पूजा का भी आयोजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से की जाती है तालाब के उस पार। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो यहाँ के मठ का है, जहाँ मंदिर भी है, आश्रम भी है और बच्चों का विद्यालय भी चलता है। विशेषकर संस्कृत भाषा में यहाँ पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है। ठीक उसके बाएं तरफ सरकारी अस्पताल है, जहाँ सातवार और सातवार के आसपास के लोग अपना इलाज कराने के लिए, निःशुल्क सेवा प्राप्त करने के लिए आते हैं। अस्पताल के ठीक सामने छोटा सा और मंदिर है और आश्रम है। कहते हैं कि इस तालाब का निर्माण और इस तालाब का देखरेख इसी मठ द्वारा की जाती है और सदियों पहले इस जमीन को जिस व्यक्ति ने इस काम के लिए डोनेट किया था, वो इस जगह के, इस नगर के राजा हुआ करते थे। तो राजा साहब ने जनता की भलाई के लिए, मठ के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए करीब 50 साल पहले ये जमीन मठ के नाम कर दी थी। तालाब की दूसरी तरफ ये सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, साथ ही साथ कुछ मंदिर और भी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी का यह भव्य मंदिर, जहाँ रोज गांव के लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जाती है।
ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। यहाँ भी रोज पूजा अर्चना की जाती है। इस मंदिर के चारों तरफ पूरा जगमोहन बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। क्योंकि सातवार वीर कुंवर सिंह जी के ननिहाल के रूप में हम जानते हैं। सातवार में ही आज़ादी के पहले लड़ाई 1857 के वीर योद्धा वीर कुंवर सिंह जी का ननिहाल इसी गांव में यहां के राजा के घर में है। इसलिए सातवार एक विशेष दर्जा प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है। और इस जमीन को वीर कुंवर सिंह जी के ननिहाल के लोगों ने ही मठ को दान किया था, जहां मंदिर वगैरह बनाया गया ताकि यहां के लोग पूजा अर्चना कर पाए और पूजा पाठ में योगदान कर पाए। सातवार से मैं संतोष प्रताप सिंह, नेताजी टीवी, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश।